अगर आप कुछ मजेदार एनीमे मूवीज के तलाश में हैं, तो आपको ये सातों एनीमे जरूर देखना चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे है, इसका नाम है वेदरिंग विथ यू। ये मेरा फर्स्ट एनीमे मूवी था एंड इस मूवी के बाद मकोटो सेनकाई, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट डायरेक्टर बन चुके हैं। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक 16 साल का लड़का जिसका नाम होडाका होता है, वो अपने होम टाउन से भागकर टोक्यो आ जाता है और वो टोक्यो में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हीना है और वो अपनी छोटी बहन के साथ अकेले रहती है क्योंकि लास्ट ईयर हर मॉम डाइड। और इससे ज्यादा कुछ बताना इस मूवी के लिए स्पॉइलर होगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, इसमें मकोटो सेनकाई का डायरेक्शन और एनिमेशन बहुत पसंद आएगा आपको। एंड ये मेरा पहला मूवी था तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया था एंड ये मूवी आपको भी बहुत इम्प्रेस करेगी अपने स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के साथ। हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। हाँ, आपको नाम सुनकर हल्का सा अजीब लग रहा हो, मुझे भी लगा था। तो इसका स्टोरी कुछ इस टाइप का है कि एक हाई स्कूल का लड़का होता है जिसे पता चलता है उसकी क्लासमेट साकुरा को किसी टाइप का बीमारी है, लेकिन वो खुल के बताती नहीं है वो क्या है एंड उसके लाइफ का कुछ ही दिन बचा था तो वो एंजॉय करना चाहती थी, जो कि इन दोनों को क्लोज ला देता है। एंड इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा और इसकी स्टोरी आपको रुलाएगी और ये मूवी देखने वक्त आप एक सेकंड भी बोर नहीं होने वाले हो। और इस मूवी में आपको इन दोनों का बॉन्डिंग देखने में बहुत मजा आएगा। ये एक रोमांटिक एनीमे है जो कि सैड है, वेल मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। वेल इसी के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है स्पिरिटेड अवे, जो कि वन एंड ओनली ऑस्कर विनिंग एनीमे है। एक फैमिली होती है जो कि कहीं जा रही होती है लेकिन अचानक से उन्हें एक टनल दिखता है और वो उसके अंदर जाते हैं और वहां पे देखते हैं फ्रेश खाना रखा है तो वो लोग खा लेते हैं, लेकिन वो जो खाना था वो था स्पिरिट्स के लिए तो वो सुअर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बच्ची होती है वो खाना नहीं खाती है तो वो पिग में कन्वर्ट नहीं होती है। हाँ, आपको ये स्टोरी सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन बात मानो बहुत ही बढ़िया एनीमे है। इस एनीमे के कुछ कैरेक्टर डिजाइन मुझे बहुत पसंद आए, जैसे कि वो आदमी जिसपे 6 हाथ था एंड वो बुढ़िया, सब देखने में बहुत ही सुंदर लगता है एनिमेशन में क्योंकि उनका एनिमेशन भी काफी बढ़िया है। देखो इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैसिव स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हाँ ये एनिमे एक बार चेकआउट जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, तो इसी के साथ हमारे लिस्ट पे नंबर 4 पे है आ साइलेंट वॉइस। एक शोयो नाम का लड़का होता था और इसी के क्लास में एक न्यू एडमिशन लड़की आती है जो कि डेफ होती है, तो शोयो और इसके कुछ दोस्त मिलके उसे बुली करते थे। लेकिन एक दिन जब उस लड़की के पेरेंट्स को पता चलता है उसे कुछ लड़के बुली करते हैं तो वो उसे उस स्कूल से निकाल कर कहीं और एडमिशन दिलवा देते हैं। एंड जब टीचर्स को पता चलता है ये लड़के उसे बुली कर रहे थे तो सभी दोस्तों ने सिर्फ शोयो का नाम लिया। तो इस इंसिडेंट के बाद शोयो किसी से बात नहीं करता था, सभी से दोस्ती तोड़ दिया था और वो अब बिल्कुल अकेले रहने लगा था। लेकिन जब वो बड़ा होता है एंड दोबारा उस लड़की से मिलता है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तब ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मैं इसे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा ऑफ कोर्स, और ये एनीमे तुम्हें इमोशनली बहुत ही अप एंड डाउन देगी, तो ये मूवी जरूर चेकआउट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। अब बारी है टॉप 3 एनीमे की। अब देखो मेरे रैंकिंग से आप लोग शायद एग्री ना करो, आपको कोई मूवी ज्यादा पसंद आ सकता है कोई कम, तो आप अपने हिसाब से रैंकिंग कर लेना। और मेरे ख्याल से इन मूवी को रैंकिंग देना बनता भी नहीं है क्योंकि सभी मूवी अपने वे में मास्टरपीस। तो मेरे लिस्ट में नंबर 3 पे है माय नेबर तोदरो। दो बहन अपने पापा के साथ कंट्री साइड में शिफ्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग में उन्हें लगता है उनके नए घर में कुछ तो डिफरेंट है और उनके घर के बगल में एक जंगल होता है जिसमें एक दिन मैं जो छोटी बहन होती है वो खेलते खेलते चली जाती है एंड वो मिलती है क्रिएचर से जिसका नाम तोदरो होता है या फिर ये खुद रखती है। और देखो ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है एंड मैंने अभी तक जितना मूवी देखा उसमें से सबसे लेटेस्ट मैंने यही मूवी देखा है। और इस मूवी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा बताया तो आप स्पॉइल हो सकते हो और मजा नहीं आएगा। ओके, तो इसी के साथ जो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है, इसका नाम है ग्रेव्स ऑफ फायरफ्लाई। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ ये मूवी आपको रुलाएगी टोटली। हाँ, तो ये मूवी देखने के टाइम मैं टोटली अवेयर था आगे क्या होने वाला है, तो मैं अज्यूम करते जा रहा था हाँ अब ये होगा अब ये होगा, लेकिन फिर भी एंडिंग में ये आपको रुला देती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगी एंड हाँ यू विल लव दिस मूवी। और ये मूवी बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे और इसका नाम है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। तो तुम सोच ही सकते हो इसका मीनिंग क्या हो। बहुत मजेदार मूवी है तो एक बार चेकआउट करना जरूर, और अगर तुम देख चुके हैं तो कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। ओके ओके ओके, जो हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है, आप में से कई लोग गेस कर चुके होंगे, हाँ उसका नाम है योर नेम। मकोटो सेनकाई का आज तक का सबसे बेस्ट मूवी माना जाता है एंड ये है भी वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट मूवी। और ये मूवी भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी लेकिन जीत नहीं पाई। और इस मूवी का म्यूजिक दिया है रेड विम्स ने, एंड रेड विम्स का म्यूजिक बहुत इनसेन होता है। मकोटो सिंकाई का डायरेक्शन, रेड विम्स का म्यूजिक, बेस्ट कॉम्बिनेशन मूवी के लिए। एंड रेड विम्स का जो सबसे फेवरेट गाना है मेरा, वो है सुजुमे का। जब वो सॉन्ग बजता है ट्रेलर में ही गूज बम्प आ जाते हैं। खैर योर नेम पे वापस आते हैं, तो देखो इस मूवी का स्टोरी आपको एक बारी में तो समझ में नहीं आने वाला है, तो दो तीन बारी तो ये मूवी आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर तुम बहुत ही मैच्योर कॉन्टेंट देखते हो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए एक बारी में। एंड इसका एंडिंग भी आपको मूवी खत्म होने के बाद भी जोड़े रखेगी, और ये इतना बढ़िया जोड़ती है कि आज इसके बहुत ही ज्यादा फैन है, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही इनसेन स्टफ होते हैं। तो अगर तुम ये मूवी नहीं देखे हो तो ये जरूर चेकआउट करना, अगर तुम्हें कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप देखना है तो। ये उस मूवी में से है जो मूवी आप एक बार देख लोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। हाँ तो यही थे 7 बहुत अमेजिंग एनिमे जो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको नरूटो देखना पसंद है तो आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, तो ये वीडियो भी जाकर चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।